शिक्षा का चरम स्तर होता है परीक्षा। यही परीक्षा व्यक्ति को उनके जीवन की अनेकों कठिनाइयों से उभरने का बल प्रदान करती है। एक ऐसी ही परीक्षा महादेव के अवतार नंदी के समक्ष भी आने वाली थी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं पुत्र, आज जो तुमने ज्ञान अर्जित किया है वो तुम्हें तुम्हारे जीवन की प्रत्येक परीक्षा के लिए तुम्हें सफलता दिलाएगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य अर्थात शिव दर्शन में समर्थ बनाएगा। तो क्या वास्तव में इंद्रदेव नंदी जी की परीक्षा लेने वाले थे लंकेश? इंद्रदेव कहां कोई कार्य एकाकी संपन्न करने में समर्थ हैं। वो तो अपने एक समूह को साथ लेकर गए, इसलिए अब एक नन्हे बालक को 6 देवताओं का सामना करना था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी योजना के अनुसार यमराज आप आखेटक बनेंगे और भूदेवी आप मृग का रूप धारण करेंगी। यदि तुमने किसी मृग को यहां आते हुए देखा है तो बताओ मुझे वो किस दिशा में गया है। यदि मैंने इन्हें उस मृग के विषय में सत्य कहा तो ये उस लाचार मृग को बंदी बना लेंगे और उसके उपरांत ज्ञात नहीं उसके साथ कैसा अत्याचार करेंगे। किंतु यदि मैंने असत्य कहा तो वो भी धर्म के विपरीत होगा, मुझ पर असत्य वचन कहने का दोष लगेगा। किस विचार में डूबे हो बालक? मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो, कहां है वो मृग? इस प्रकार मेरे समक्ष क्यों स्थित हो गए हो? बताओ वो मृग कहाँ है? वहाँ उस दिशा में। मैंने जैसे सोचा था बालक नंदी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने यमराज से असत्य कहा। मत करो, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तो तुमने असत्य कहा मुझसे। Thank you.
ऋषि पुत्र प्रतीत होते हो तो, किंतु तुम्हारा आचरण तो ऋषि पुत्र जैसा नहीं है। अपनी जिह्वा पे असत्य धारण करते हो तुम। आखेटक, आप हमारे लिए आखेट करने आए थे ना, तो फिर यहाँ आप इस कोमल बालक पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप जिसे कोमल बालक पुकार रहे हैं ना राजन, वो मिथ्या वचन कहने वाला कपटी और अधर्मी बालक है। असत्य तो आप कह रहे हैं आखेटक महोदय, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। देखिए देखिए, पुनः असत्य कह रहा है ये बालक। मैं तो आखेट रूपी मृग के पीछे पीछे यहाँ आया था, किन्तु इसी ने मुझे भ्रमित कर दिया, दूसरी दिशा में भेज दिया, जबकि यह मृग इसी के साथ यही था। बालक, तुम ऋषि पुत्र हो और असत्य कहने से पहले तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रतीत होता है तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी शिक्षा में तुम्हें अधर्म का पाठ सिखाया है। किसी निर्दोष जीव की रक्षा के लिए कहा गया असत्य अधर्म नहीं अपितु धर्म होता है, क्योंकि धर्म कर्म से तो प्राणियों की रक्षा होती है। इसीलिए ऐसा सत्य जिससे किसी प्राणी को हानि पहुंचे, वो भी अधर्म ही है। धर्म कर्म का प्रवचन दे रहे हो, स्वयं को क्या बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो तुम? मैं जो भी हूँ राजन, किंतु मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप मुझसे पूछिए कि आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं। यदि मैंने उचित उत्तर दिया तो आप में से कोई भी इस मृग को हानि नहीं पहुँचाएगा। इतना दम्भ है तुम्हें अपने ज्ञान पर? उचित, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मुझे मात्र 33 कोटि देवताओं के नाम ही बता दो। क्या हुआ बालक, मेरे प्रश्न का श्रवण होते ही तुम अपना समस्त ज्ञान भूल गए? तुम्हारे ज्ञान का अहंकार छिन्न भिन्न हो गया? संस्कृत भाषा में कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। प्रथम करोड़, जो एक संख्या को इंगित करता है, और अधिकांश मनुष्यों को इस शब्द का यही एक अर्थ ज्ञात है। किंतु कोटि शब्द का दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ प्रकार, जो देवताओं के संदर्भ में अधिक मान्य है। इसलिए 33 कोटि देवताओं का अर्थ 33 करोड़ नहीं अपितु 33 श्रेष्ठतम देवताओं से संबंध रखता है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर है राजन, 33 कोटि देवता, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र, 1 प्रजापति एवं 2 अश्विनी कुमार, जिनकी संख्या का संयोग हुआ 33। मात्र संख्या ही ज्ञात है या उनके नामों से भी परिचित हो? 12 आदित्य इस प्रकार है: अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान एवं विष्णु। ओम नमः शिवा। मैं आपको 11 रुद्र के नाम भी बताता हूँ: शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भाव, सदाशिव, शिव, हर, शर एवं कपाली। मात्र नाम कंठस्थ कर लेने से
कोई परम ज्ञानी नहीं बन जाता बालक। तो फिर आप अपने अन्य प्रश्न भी पूछ लीजिए, जिनका आप उचित उत्तर पाकर संतुष्ट होंगे। तो ये बताओ, स्त्री और पुरुष के मध्य अधिक श्रेष्ठ कौन है? स्त्री अर्थात माता आदिशक्ति एवं पुरुष अर्थात जगत पिता शिव। संसार की उत्पत्ति में दोनों का ही समान योगदान था, इसीलिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं। किंतु यदि इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठता प्रदान करना अनिवार्य है, तो मैं स्त्री को ही श्रेष्ठ कहूंगा, क्योंकि वो तो पुरुष को भी जन्म देती है। शिशु के रूप में पुरुष को अपने गर्भ में 9 मास धारण करती है, प्रसव की पीड़ा सहती है, इसलिए नारी ही अधिक श्रेष्ठ है। और इसीलिए पति की अर्ध पूजा का फल पत्नी को भी प्राप्त होता है। समस्त देवताओं को माता के गर्भ से ही जन्म लेना होता है। मैंने आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, तो फिर आप इस निर्दोष निरही प्राणी पर आघात करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है, इसे कोई हानि ना पहुंचाइए। आखेटक हूं मैं, और आखेट करना मेरा धर्म है। राजन को मृग प्रदान करने का मैंने वचन दिया था, इसलिए हट जाओ मेरे मार्ग से। सभी भले ही अपने वचन से हट जाएं, किंतु मैंने इस निर्दोष जीव को शरण दी है, इसलिए अब ये मेरा शरणागत है, और शरणागत रक्षा के धर्म से मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। अबोध बालक, हम 5 हैं और तुम मात्र 1, और फिर भी तुम इतना दुस्साहस कर रहे हो। जिसे आप दुस्साहस कह रहे हैं, वो तो मेरी धर्म परायणता है, और ये मेरी चुनौती है कि मैं आप सभी की संयुक्त शक्ति के समक्ष अडिग रहकर धर्म का पालन करूंगा। यदि आप सभी ने एक साथ मिलकर मेरे चरण यहाँ से डिगा दिए, तो मैं आपके और इस निर्दोष मृग के मध्य से हट जाऊंगा, अन्यथा आपको ही पीछे हटना होगा। कहीं देवताओं को चुनौती देकर नंदी ने कोई भूल तो नहीं कर दी? नंदी जी ने उन्हें चुनौती तो दे दी, किंतु उन्हें कहां ज्ञात था कि उनके समक्ष कोई साधारण राजा आखेटक एवं सैनिक नहीं थे, अपितु स्वयं इंद्रदेव, यमराज एवं अन्य शक्तिशाली देवता थे। उनकी संयुक्त शक्ति का सामना कैसे किया नंदी जी ने? ये संघर्ष तो संकट का रूप धारण कर घोर अनिष्ट का कारण बन सकता था, किंतु बालक नंदी के लिए नहीं, अपितु उन देवताओं के लिए। मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, यदि आपको ये मृग चाहिए तो आपको मेरे चरण इस स्थान से डिगाने में सफलता प्राप्त करनी होगी, तभी आपको इस मृग को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
अन्यथा इसे भूलकर लौटना होगा यहाँ से। नन्हे से प्राण किंतु वचन कितने महान, तुम्हारे चरण तो क्या, मेरी एक गर्जना से मैं तुम्हारा शरीर कंपित कर तुम्हें पीछे हटा दूंगा। आपको अपने प्रायोजन में सफलता प्राप्त होगी अथवा असफलता, ये तो प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। आप प्रयास कीजिए, परिणाम महादेव पर छोड़ दीजिए, महादेव पर छोड़ दीजिए। मेरे समक्ष तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। तुम तो एक नीरे बालक हो। देवराज, दोनों में भला क्या समानता है? एक छोटा सा बालक कैसे स्थिर रह सकेगा यमराज के समक्ष? साहस अहंकार में नहीं, हृदय में होता है वायुदेव, और ये इस बालक को समझना होगा। मात्र साहस दिखाने से वास्तविकता बदल नहीं जाती। यमराज के समक्ष होकर भी इस बालक को तनिक भी चिंता नहीं। अद्भुत है नंदी का साहस, किंतु ये साहस कहीं नंदी के लिए संकट ना उत्पन्न कर दे, क्योंकि देवता उसे पराजित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और उनकी संयुक्त शक्ति का सामना करना कहीं नन्हे नंदी के लिए अत्यंत अहित करना सिद्ध हो जाए। कठोर परीक्षा के उपरांत ही मनुष्य का उत्तम चरित्र उजागर होता है, और प्रभु भोलेनाथ के प्रति नंदी की एकाग्रता ने पूर्व में ही प्रमाणित कर दिया है कि वो महादेव का परम भक्त है। और इस परीक्षा के उपरांत ये भी ज्ञात हो जाएगा कि बालक नंदी महादेव का सखा, उनका वाहन बनने योग्य है अथवा नहीं। स्मरण रखना बालक, तुमने स्वयं संकट को आमंत्रित किया है। आश्चर्य, मेरी गर्जना से उत्पन्न शक्ति प्रवाह से मैं इस बालक को इसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सका, किंतु मेरी फांस का सामना कैसे करेगा ये? जैसे ही यमराज अपना फांस खींचेंगे, उसी क्षण ये बालक नीचे गिरेगा। यमराज की फांस इसे अवश्य पराजित करेगी। एक निरही बालक की कितनी कठोर परीक्षा, क्या ये उचित है देवराज? किंतु इसकी कठिन परीक्षा लेने पर हमें यह ज्ञात होगा, ये महादेव के सखा एवं वाहन बनने योग्य हैं अथवा नहीं। तुम अपने स्थान पे कदापि स्थिर नहीं रह पाओगे बालक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसे संभव है? ओम नमः शिवाय। यमराज उसे खींचकर उसे गिरा भी नहीं सके, अपनी शक्ति से उसे क्षति भी नहीं पहुंचा सके वो। देवी पार्वती, जगत पिता की लीला अद्भुत है, अनूठी है। उनके अनुसार जो भी होता है उचित होता है, और अभी नंदी की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय।
बालक, इतनी उदंडता तुम्हारी, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने संपूर्ण समर्थ का प्रयोग करूंगा, किंतु तुम्हें अपने स्थान से हटने पर विवश अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। दुस्साहसी बालक, हमारी संयुक्त शक्ति के समक्ष एक क्षण भी नहीं रुक सकते तुम। महादेव शिव शंकर शंभु। अग्निदेव, वरुण देव, अब दोनों के भी आगे बढ़ने का समय आ गया है। नहीं बहन पार्वती, इस परीक्षा को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक बालक नंदी प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने हेतु स्वयं को प्रमाणित नहीं कर देता। किंतु लंकेश, देवगण नंदी जी की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे थे? इंद्रदेव अपने स्वभाव से विवश थे और बालक नंदी से उस संघर्ष में वो तो भूल ही गए थे कि वो किसकी परीक्षा लेने आए हैं। सावधान बालक, अब तुम्हारी पराजय निश्चित है। बालक, तुम्हारा हट और अहंकार भंग करेंगे हम। अब इनकी संयुक्त शक्ति इस बालक को अवश्य प्रभावित करेगी। महादेव शिव शंकर शंभू। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास होने लगा है कि नंदी स्वामी का सखा और वाहन बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। श्री हरि नारायण की ये मंद मुस्कान क्या संकेत दे रही है? मैंने तो पूर्व में ही कहा था राजन, आप सब एक साथ आकर प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आप भी आकर अपने बल का प्रयोग कर लीजिए राजन। बालक, इतना तंब तुम्हारा, जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रस्सी छोड़कर आप अपने हाथों से भी प्रयास कर लीजिए, कहीं असफल होने के बाद ये ना कहें बालक नंदी ने आपको पूर्ण अवसर नहीं प्रदान किया। यही चाहते हो ना तुम बालक, तो ऐसा ही होगा, तुम्हारी पराजय निश्चित होगी और वो मृग जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो उस पर भी हमारा अधिकार होगा।
देवराज इंद्र भी विफल हो गए इस नन्हे बालक के समक्ष। महादेव शिव शंकर शंभू, महादेव शिव शंकर शंभू। बस बालक नंदी ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो महादेव के कृपा पात्र है और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। ये तो हम ही हैं जो उनकी परीक्षा लेने के योग्य नहीं है। यदि मैं आपको पहचानने में कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूं तो आप इंद्रदेव है ना? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हे अति बलशाली बालक नंदी, आपसे हमें पहचानने में कोई त्रुटि नहीं हुई। और आप भूमि देवी है ना? अब समझ में आया मुझे, आप सभी मेरी परीक्षा लेने आए थे ना? मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आप सभी को अपने चरण थामने के लिए प्रेरित किया। आपको क्षमा याचना करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, ये तो केवल आपकी परीक्षा का भाग था जिसमें आपने संपूर्ण बल और साहस के साथ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है और हमें भी अत्यंत प्रभावित किया है आपने। आप सर्वथा महान हैं नंदी जी, और ये आपकी धर्म शक्ति का ही प्रभाव है कि हमारे समस्त प्रयासों के उपरांत भी आप अपने स्थान पर अडिग रहे। सत्य है, आप श्रेष्ठ धर्मज्ञ हैं, धर्म के ही अवतार हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आज से आप धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। त्रयंबकम् सदाशिवम् नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ, जय अनंत, नमोस्तुते नमोस्तुते। मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ देवगण, किंतु मुझे तो एक ही आशीष की आस है कि मैं अपने प्रभु महादेव के दर्शन कर उनसे भेंट कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राता श्री हरि नारायण, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब नंदी अपनी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर चुका है, इसीलिए अब महादेव से उसकी भेंट कराने हेतु हमें उसका उचित मार्गदर्शन करना होगा। आप उचित कह रही हैं देवी। नंदी ने अपनी प्रथम परीक्षा में अपने ज्ञान का अद्भुत परिचय देकर ये सिद्ध किया है कि वो महादेव से भेंट करने योग्य हो गया है, और अपनी द्वितीय परीक्षा में अपने अपार बल का प्रदर्शन कर ये सिद्ध किया है कि वो महादेव का वाहन बनने योग्य भी है, किंतु अभी ये देखना शेष है कि वो महादेव का सखा बनने योग्य है अथवा नहीं। उसके लिए उसे भोलेनाथ को उनके वैराग्य से बाहर निकालना होगा। ये नंदी की अंतिम चुनौती, अंतिम परीक्षा होगी, और उसमें सफल होकर अपने सखा को पुनः उसके ग्रह लौटने के लिए प्रेरित कर
अपने धर्म का निर्वाह करेगा और ये प्रमाणित करेगा कि वो जगत पिता का सखा बनने के योग्य भी है। किंतु ऐसा कैसे कर सकेगा वो? आप चिंता न कीजिए देवी, स्वयं देवराज इंद्र उनका मार्गदर्शन कर उन्हें उचित पथ पर लाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार इंद्र देव के मार्गदर्शन पर नंदी उस घोर तपस्या में लीन हो गए, जिसका उद्देश्य उनकी अंतिम परीक्षा के रूप में महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आना था। अब नंदी के समक्ष बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में एक अंतिम परीक्षा शेष थी। उन्हें प्रभु महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आना था, जिसके लिए अब देवराज इंद्र बालक नंदी का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। एग्जाम के माध्यम से प्रभु श्री हरि नारायण मुझ तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। हे बालक नंदी, आप प्रभु महादेव का सानिध्य अवश्य प्राप्त करेंगे, किंतु उसके लिए आपको पूर्ण रूप से योग्य होना होगा। योग्य? आप उस आम के फल के समान हैं, जो अपने वृक्ष से झड़ तो चुका है किंतु अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। बालक नंदी, ये फल तो सृष्टि की ऊर्जा से पक ही जाएगा, किंतु आपको परिपक्व होने के लिए तप की शक्ति की आवश्यकता होगी और ये आपकी अंतिम परीक्षा होगी, क्योंकि वो तपोशक्ति ही आपको महादेव के समक्ष प्रस्तुत होने के योग्य बनाएगी। और जब आप योग्य होंगे, प्रभु महादेव स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत होकर आपको अपने दर्शन प्रदान करेंगे। उचित है इंद्रदेव। फिर तो नंदी जी ने वही प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ कर दी होगी ना लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, नंदी जी तो पूर्व से ही महादेव की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनकी भक्ति को मात्र एक दिशा चाहिए थी, किंतु अब उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब प्रभु को उनके वैराग्य से बाहर लाने की चुनौती। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और इतने महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने का तो एक ही उपाय है, प्रभु महादेव की तपस्या। क्योंकि तप करने से ही प्रभु महादेव के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है ना लंकेश? हाँ, नंदी जी ने तो मात्र अपने पिता से एक अनुमति प्राप्त कर वही वन में आम वृक्षों एवं बेल पत्रों के मध्य प्रभु के मंत्रों का जाप कर अपनी तपस्या आरंभ की। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं नमः शिवाय पूर्वारुकमिव वन्दनां पुत्र नंदी, मेरी तो यही कामना है कि तुम अपने तप से इतनी शक्ति प्राप्त करो कि स्वामी अपने वैराग्य से बाहर आकर कैलाश लौट आए और कैलाश की उदासी दूर हो जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नाथ,
मेरी तो एक ही आशा है कि प्रभु महादेव के प्रति नंदी की भक्ति की एकाग्रता से नंदी शीघ्र ही अपने तप के चरम पर पहुँचे और प्रभु महादेव से जुड़ाव स्थापित कर इस असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करे। ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, नंदी तो इस प्रकार तप में लीन है कि वो चींटियों के बांबी से पूर्ण रूप से घिर चुका है और उसे इस बात का आभास तक नहीं है। मेरी तो यही आशा है कि वो अपनी तपोशक्ति से इस व्यवधान को भी पार कर प्रभु महादेव से संपर्क साधने में समर्थ होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदी अपनी तपोशक्ति से प्रभु को शीघ्र प्रसन्न और प्रभावित कर उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ला सके, यही कामना है मेरी। ओम नमः शिवाय। एकाग्रता से अपनी तपोशक्ति प्रभु तक पहुंचा दी है, फिर प्रभु के मनोभाव में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? वो अपने वैराग्य से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाथ, मुझे बताने की कृपा करें कि जब नंदी की इतनी अनुपम भक्ति है कि उसकी तपोशक्ति बांबी रूपी बाधा को भी पार कर महादेव तक पहुंच गई, तो फिर अब उसकी भक्ति में ऐसा क्या शेष रह गया है कि अभी भी महादेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब महादेव ने नंदी का तप स्वीकार कर लिया है। अब शीघ्र ही नंदी की अंतिम परीक्षा भी सफल होगी। वपुधराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः।
अभीष्ट पर प्रदाभ्या नारायणे नर्चित पादुकाभ्याम नारायणे नर्चित पादुकाभ्याम। भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण हो, कल्याण हो। अंततः स्वामी के मुख पर मुस्कुराहट लौट ही आई। प्रभु को उनके सखा का सानिध्य प्राप्त हो ही गया। नंदी, नंदी मेरे सखा, सखा। चल, चल मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। भव्य स्वागत का आयोजन कीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। महादेव स्वयं नंदी का हाथ पकड़कर कैलाश की ओर ला रहे हैं। एक भक्त के लिए भला, इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। अपनी भक्ति की एकाग्रता से महादेव के साथ संपर्क बनाकर वो उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ले आए। नंदी ऐसा अनूठा वरदान प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को पूर्व में ही प्रमाणित कर चुका था। ऐसे ही एक परम भक्त की प्रतीक्षा थी महादेव को। वहां प्रभु की प्रतीक्षा समाप्त हुई और यहाँ मेरी और कैलाश की, क्योंकि एक दूसरे के बिना तो हम अधूरे हैं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य जब पिताश्री के साथ नंदी जी के आगमन से समस्त कैलाश आनंदित हो गया होगा।
इतना विशाल हृदय है मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू भोलेनाथ का। इतना साधारण तपस्या के परिणाम स्वरूप इतना महान वरदान प्रदान किया, और यही नहीं निरंतर नंदी पर अपनी कृपा वर्षा करते रहे। बांबी से निकलकर वहां पहुंचे नंदी का अभिषेक उन्होंने पंचनद को उत्पन्न कर करवाया। सखा नंदी, कैलाश में तुम्हारा स्वागत असाधारण अभिषेक से होगा, जिसके लिए पंचनद अर्थात पंच नदियां स्वयं उत्पन्न होकर करेंगी। इन पंच नदियों के नाम हैं चतोदका नदी, तिस्त्रोता नदी, वृषध्वनि नदी, सोनोदका नदी एवं जम्बू नदी। नंदी के अभिषेक हेतु जो पंच नदियां उत्पन्न हुई हैं, भविष्य में जो भी उनके पावन जल में स्नान कर भक्ति भाव से नंदी की स्तुति करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और जिस प्रकार नंदी के कैलाश में आगमन से आनंद तरंग उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार इन नदियों की पावन जलधारा से सूखी बंजर भूमि को अपने जल से सींचकर सभी को आनंदित करेगी। नंदी, मैं तुम्हें अभी और वरदान प्रदान करने का इच्छुक हूं। आज से तुम समस्त शिवगणों के अध्यक्ष होंगे। एक और वरदान देता हूं तुम्हें, मरुत की पुत्री सुयाशा से तुम्हारा विवाह होगा। और ये तृतीय वरदान है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तुम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा कैलाश में ही निवास करोगे, और तुम्हारे समस्त पितरों के साथ साथ तुम्हारे पिता को भी कैलाश में स्थान प्राप्त होगा। और तुम मेरे स्वामी जगत पिता महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आए, तुम उनके सहायक बने, उनके साथ तुमने एक पिता पुत्र का संबंध स्थापित किया, इसीलिए आज से तुम मेरे लिए एक पुत्र के समान प्रिय रहोगे। पिताश्री और माँ का इतना अपार स्नेह पाकर उनसे इतने वरदान प्राप्त कर तो नंदी जी कृतार्थ हो गए होंगे लंकेश, उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। हाँ, फिर भी उन्होंने प्रभु से और वरदान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रभु, मुझे मेरे बाल्यपन से सदैव ऋषभ बुद्धि के नाम से संबोधित किया जाता है, और आज मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके साथ सदैव रहने वाली इस पताका पर यह ऋषभ अंकित है। महादेव की इस पताका पर अंकित ये वृषभ का चिन्ह धर्म का प्रतीक है। तो प्रभु, आपकी इस पताका पर सदैव स्थित रहने वाले वृषभ के समान मेरी भी यही इच्छा है कि मैं सदैव आपके साथ रहूं। प्रभु, आपने मुझे महानतम वरदान प्रदान किए हैं, किंतु मुझे एक वरदान और दीजिए कि मैं सदा आपका वो सखा बना रहूं जो सदैव आपके साथ रहे,
जिसके साथ आप अपने विचार बांट सके। मैं आपका वो वाहन बनना चाहता हूँ जो इस धर्म वृषभ के समान सदा अडिग रहकर आपकी सेवा करे। मैं आपका वो भक्त बनना चाहता हूँ जो सदैव आपकी भक्ति हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत रहे। और आपके इस भक्त और आपके मध्य अन्य कोई भी ना आ सके प्रभु। तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर। शिवम नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ, जय अनंत, नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ, भक्त के हो कष्ट से निवारते। ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जो जन्म भूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदिका दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वामी की वो मुस्कुराहट जिसको देखने के लिए मैं ही नहीं समस्त जगत व्याकुल हो उठा था, वो स्वामी के चेहरे पर लौट आई। नमः शिवाय। लंकेश, अब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रभु महादेव के शिवलिंग एवं नंदी जी की मूर्ति के मध्य किसी को कोई स्थान क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इस प्रकार नंदी जी शांत भाव एवं पूर्ण एकाग्रता से सदा प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और उनकी भक्ति सीधे प्रभु तक पहुंचती है। और जो भी भक्त नंदी जी के कान में कुछ कहता है, वो संवाद भी सीधे प्रभु तक पहुंच जाता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्ति की एकाग्रता से यदि भक्त के नेत्रों में मात्र उसके प्रभु की छवि हो और उसके मन में अपने लक्ष्य पर पहुंचने की प्रतिबद्धता हो, तो कुछ भी प्रभु पद भी असाध्य नहीं। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरी पुत्र, और मैंने ये अनेकों बार प्रमाणित किया है। एकाग्रता के सर्वोच्च उदाहरण नंदी जी नहीं, मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भक्ति से प्रभु शिव शंकर शंभु को अनेकों बार प्रसन्न किया है, और इसके साक्षी तो आप भी हैं गौरी पुत्र। जो आज तक संसार में कोई नहीं कर पाया, वो मैंने किया है। अर्थात प्रभु के आत्मलिंग को मैंने प्राप्त किया है, इसलिए मुझसे अधिक एकाग्रता संसार में भला किस में हो सकती है। आप उचित कहते हैं लंकेश, किंतु सर्वप्रथम संसार को एकाग्रता का मार्ग दिखाने वाले तो नंदी जी ही थे, इसलिए आइए हम दोनों एक साथ उनकी स्तुति करें। संकोच मत कीजिए दशानंद, क्योंकि शिव कथा कहने का पुण्य तो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भक्ति और सम्मान के साथ
महादेव के अवतार की स्तुति करेंगे। चतुर गणेशा। त्रयंबकम् सदाशिवम् नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। कठोर तब शिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जन्म भूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय। 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 हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वो शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः प्रणाम नंदेश्वर जी, हमें अपने भव्य दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंकेश, अब आप भी नंदेश्वर जी को प्रणाम कर उनका आशीष प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार अपने आशीर्वाद से इन्होंने सूखी तप्त भूमि की प्यास बुझाई है, उसी प्रकार वो आप पर भी अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। मुझे जिसकी आशीष की आवश्यकता है, मुझे प्रभु से वो प्राप्त हो चुकी है, और उनका आत्मलिंग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लंकेश, आपने ही इनकी भव्य कथा मुझे सुनाई, और अब आप ही इनके भव्य रूप के दर्शन नहीं करना चाहते, इनकी ओर देख तक नहीं रहे हैं। ये तो इनका अपमान होगा, और इनके साथ साथ प्रभु महादेव का भी अपमान होगा, जिनके ये अवतार हैं। यदि मैं इन्हें देखूंगा तो मेरी हंसी उत्पन्न होगी, क्योंकि मुझे इनका वानर समान मुख स्मरण हो जाएगा जो मैंने कैलाश में देखा था। ये क्या किसी वानर के समान उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिल्लाई फेंक रहे हो? बहुत हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा, बहुत उछल लिए एक वानर के समान। लंकेश, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसके वश में आकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। दशानन, आप स्वयं अपने आराध्य के अवतार नंदेश्वर महाराज का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये आपका भ्रम है गौरीपुत्र, कि नंदेश्वर प्रभु के अवतार है, इसलिए ये स्वयं भी ईश्वर समान ही है। भोलेनाथ हैं मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू, उनके भोलेपन का लाभ उठाकर आपने ये उपाधि प्राप्त की है, और मेरे प्रभु तो साधारण भक्ति का भी बड़ा फल प्रदान कर देते हैं। चंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने उनका उद्धार करने हेतु चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण कर लिया। भागीरथ से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया, और प्रभु तो किसी पर भी अपनी कृपा करने से नहीं रुकते, जिसका उदाहरण आपके समक्ष है। प्रतीत होता है जैसे तुम
स्वयं अपने उदाहरण का उल्लेख कर रहे हो, क्योंकि भोलेनाथ का लाभ तो तुमने उठाया है। उनसे उनके आत्मलिंग को प्राप्त कर। अपनी योग्यता से प्राप्त किया है मैंने प्रभु के आत्मलिंग को, और अब इन्हें लंका ले जाकर ही स्थापित करूंगा मैं। शिव धाम का तथ्य परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभु कैलाश का त्याग कर लंका में निवास करेंगे। तब आप वही उनके द्वारपाल बने रहना नंदेश्वर जी। तुम्हारा कपट तो तुम्हारे भाव से स्पष्ट है, जिसने तुम्हारी भक्ति को भी दूषित कर दिया है। जिस सुदंडता के साथ तुम महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास कर रहे हो, क्या तुम उसमें कभी सफल हो पाओगे? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है लंकेश, समस्त देवता अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग करके भी मुझे मेरे स्थान से हटाने में असमर्थ थे। स्वयं प्रभु महादेव का भार उठाता हूँ मैं, तुम्हें तो बड़ी सरलता से रोक दूंगा। आपकी शक्ति से भयभीत नहीं है ये लंकेश रावण, क्योंकि मैंने कैलाश को उठाकर अपना सामर्थ्य प्रमाणित किया है। इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं लंकेश दशानन रावण हूँ। प्रभु महादेव के महाभक्त एवं उनके ही अवतार के मध्य युद्ध छिड़ गया तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। ये कैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है? लंकेश और नंदेश्वर जी एक दोनों के सम्मुख परस्पर संघर्ष के लिए तत्पर हो गए हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसे रोकूं इन्हें मैं? नंदी जी इतनी सहजता से कदापि शांत नहीं होंगे, इसलिए मुझे ही शीघ्रता कर कोई युक्ति सोचनी होगी। मैं प्रभु शिव शंकर शंभू का परम भक्त हूँ, प्रभु की कृपा से अत्यंत बलशाली हूँ मैं। इसलिए आप मुझे विवश करेंगे तो मैं तनिक भी संकोच नहीं करूँगा अपने बल का प्रयोग करने में। नंदी जी, मुझे इस प्रकार की चुनौती देना तुम्हारे अहंकार का परिणाम है रावण, और तुम्हारे इस अहंकार को नष्ट करने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूँगा। लंकेश प्रभु का आत्मलिंग। आत्मलिंग? क्या हुआ है आत्मलिंग को? गणेश जी, आपने इतने उच्च स्वर में आत्मलिंग क्यों कहा? नंदी जी, आत्मलिंग आपके समक्ष है, दशानन के हाथों में है, फिर भी आप इन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। और लंकेश, आप भी तो अपने विवेक का उपयोग कीजिए। इस प्रकार प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथों में थाम कर आप युद्ध करना चाहते हैं, और आप अपने इस अनुचित कृत्य से अपने प्रभु का अपमान स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं इस अहंकारी लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग को कदापि नहीं ले जाने दूंगा। मुझे अपने प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता वानर। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ तनिक उसे सुनने की कृपा कीजिए। मुझे आपकी चिंता ज्ञात है नंदी जी, कि पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुँचाने से लंका में ही शिव धाम स्थापित हो जाएगा,
किंतु लंकेश को तो स्वयं प्रभु ने ही अपना आत्मलिंग प्रदान किया है, इसलिए इस प्रकार संघर्ष कर उन्हें छीन कर प्राप्त करना तो महादेव का अपमान होगा ना। शिवनंदन गणेश जी को तो भली भांति ज्ञात है कि यदि प्रभु के आत्मलिंग लंका पहुंच गए तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आपको तो ये भली भांति ज्ञात है कि लंकेश ने कितनी घोर तपस्या की है। वरदान स्वरूप उन्होंने प्रभु के आत्मलिंग को उनसे प्राप्त किया है। अब ये आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करें अथवा लंका के मार्ग में ही स्थापित कर दें, ये तो इन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है ना नंदी जी। और अब इनकी इच्छा को पूर्ण करने से इन्हें कोई कैसे रोक सकता है। गौरी पुत्र, आपने सर्वथा उचित कहा। मैं प्रभु के आत्मलिंग को कहां स्थित करता हूँ ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। और लंकेश प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ तक लेकर आए तो उसमें इनका दोष नहीं है, दोष तो आप सभी शिवगणों का है, क्योंकि श्रृंगी जी, भृंगी जी, बेताल जी, पिशाच जी एवं देवगण आदि ने इन्हें रोकने का प्रयास तो किया ही नहीं, इसीलिए अब इनसे संघर्ष कर इन्हें रोकने का प्रयास अनुचित होगा नंदी जी। और वैसे भी इनसे युद्ध कर इन्हें कहाँ रोका जा सकता है। और आप सभी यदि इन्हें रोकना ही चाहते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना। हाँ, अब जब उस समय सभी शिवगण कोई युक्ति सोच नहीं सके तो इसमें भला लंकेश का कहाँ, शिवगणों का ही दोष है ना। चतुर गणेशा। गौरी पुत्र जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और उनका सुझाव स्वीकार कीजिए, उसी में आपकी भलाई है। और यदि आप सभी लंकेश को रोकना ही चाहते हैं तो आप सभी एक साथ आकर अपनी बुद्धि से किसी युक्ति का निर्माण कर इन्हें रोक कर दिखाइए। किंतु वैसे मेरे विचार से अब लंकेश को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं। आपकी चतुराई तो अद्भुत है गणेश जी, लंकेश को तनिक आभास भी नहीं हुआ और आपने उनके ही समक्ष उन्हें रोकने का उपाय सुझा दिया। मैं अब यथाशीघ्र यहाँ से लौटूंगा और जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। अभी भी यहाँ स्थित रहकर क्या विचार कर रहे हैं नंदी जी आप? गौरी पुत्र का सुझाव समझ नहीं आया क्या? लंकेश, आपसे महादेव के आत्मलिंग को छीनकर प्राप्त करने का प्रयास करना तो स्वयं महादेव का अपमान करना होगा ना, इसलिए मैं स्वयं आपके मार्ग से हट रहा हूँ। आइए आइए, जाइए जाइए, आप जाइए। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं शीघ्र उचित उपाय के साथ अवश्य लौटूंगा। छुपे बैठे हैं आप सभी, छुपे बैठे हैं आप सभी, छुपे बैठे हैं आप सभी, मेरे समक्ष अभी प्रस्तुत होइए, मेरे समक्ष अभी प्रस्तुत होइए, भृंगी, भृंगी, पुकारा मुझे, भृंगी, 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 बेताल, बेताल, पिशाच, पिशाच, वीरू नहीं हूँ मैं, वीरू नहीं हूँ मैं, वीरू नहीं हूँ मैं, तोता, वीरू तेरे पुताला नंदी जी ने मुझे, नंदी जी इतने कुपित क्यों हैं हमसे? लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, ये ज्ञात होने के उपरांत भी कि नंदी जी स्वयं प्रभु महादेव के अवतार हैं, आप उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? चतुर गणेशा।
क्योंकि स्वयं शिव शंकर शंभु और उनके अंश में बहुत भेद है, क्योंकि उनके अंश तो नारायण भी हैं और ब्रह्मदेव भी, किंतु वो तब भी साक्षात शिव कहा, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, परम ब्रह्म ईश्वर हैं, वो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ही हैं, सर्वोच्च भगवान हैं। ये कैसी विडंबना है कि एक महान प्रभु भक्त भी अपनी अज्ञानतावश अपने ही ईश्वर को सर्वोच्च मानने की भूल कर बैठते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परम ब्रह्म ईश्वर एक ही है, वो भिन्न रूपों में प्रकट अवश्य होते हैं, इसलिए भक्त उन्हें अनेकों रूपों में पूजते हैं, किंतु अपने आराध्य को सर्वोच्च प्रमाणित करने के अनुचित प्रयास में वो संपूर्ण समाज में शांति के स्थान पर अशांति का विस्तार कर देते हैं। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस विचार में डूब गए आप? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो स्वयं को परमेश्वर घोषित कर देते हैं। कलयुग में तो ऐसे मनुष्य प्रत्येक प्रांत में प्रकट होंगे, किंतु ऐसे मनुष्यों को ये ज्ञात नहीं होता कि स्वयं को परम ईश्वर मानने का भ्रम रखने का कितना बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है उन्हें। और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं पितामह ब्रह्मदेव, जिनसे एक बार ऐसी ही भूल हुई थी, स्वयं को परम ब्रह्म घोषित कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया था उन्होंने, और अपने इस अहंकार का बहुत बड़ा दंड प्राप्त हुआ था उन्हें, जिसका परिणाम तो हमारे समक्ष है। ये पर्वत ब्रह्मदेव के शीश के समान क्यों प्रतीत हो रहा है लंकेश? क्योंकि वास्तव में ये ब्रह्मदेव का पांचवा शीश होता था, जिसे उनसे विलग कर यहां फेंका गया था, और इसलिए ये स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से विख्यात है। यही है प्रभु के अगले अवतार भैरव अवतार की कथा। ये घटनाक्रम तो तभी आरंभ हो गया था गौरीपुत्र, जब नारायण और ब्रह्मदेव प्रभु शिव शंकर शंभु से उत्पन्न हुए थे। और सहस्त्रों वर्षों दोनों योग निद्रा में लीन रहे, और सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मदेव की निद्रा भंग हुई तो वो उस दिव्य कमल के तने को देखकर, जिसका ना ही कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत, वे अत्यंत अचंभित हुए और उनका कौतूहल जागृत हुआ। एकमात्र मैं ही हूं यहां, मेरे अतिरिक्त और किसी का भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात एकमात्र मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं।
ये कमल पुष्प का तना कहाँ जा रहा है? कहाँ है इसका आरंभ और कहाँ है इसका अंत? विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। ये कौन है? शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में लीन दिव्य पुरुष कौन है आप? जिस कमल से मैं उत्पन्न हुआ उसकी ऊर्जा को क्यों सोख रहे हैं आप? आपके कमल की ऊर्जा नहीं सोख रहा, अभी तो आपके इस कमल की उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है, अर्थात इस कमल का और इस कमल से उत्पन्न हुए आपका जन्मदाता मैं हूँ। प्रतीत होता है आप स्वयं को मुझसे अधिक श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप भूल रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और यह स्पष्ट है कि सृष्टि के समक्ष मेरा ही अस्तित्व सबसे पहले उजागर हुआ है, इसलिए हम दोनों में मैं ही श्रेष्ठ हूं, आप नहीं। मेरा तो यही विश्वास है, जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है, और आपका आधार तो मैं हूं, तो मैं श्रेष्ठ हुआ ना? आपका स्थान तो यहां नीचे है और मेरा स्थान वहां ऊपर अनंत ब्रह्मांड में, और उच्च स्थान उसी को प्राप्त होता है जो सर्वोच्च होता है। इसलिए सत्य तो यही है कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूं, कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूं। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस वाक युद्ध में उलझे हुए थे कि उनमें से सर्वोच्च कौन है और सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो अचानक से वो ऊर्जा जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च है उनके समक्ष एक अद्भुत प्रकाश लिंग के रूप में प्रकट हुई। ये प्रकाश तम तो अनंत है। अब हम दोनों के अतिरिक्त ये क्या है? कैसा प्रकाश है ये? कहां से उत्पन्न हुआ? और उन दोनों को तो अनुमान भी नहीं था कि वह प्रकाश स्तंभ और कुछ नहीं मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु का प्रकाश लिंग था, जो सर्वोच्च है, श्रेष्ठतम है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत। इसलिए उन दोनों को उस प्रकाश लिंग का आदि अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था, और आप मेरे प्रभु की तुलना उस नंदी से कर रहे थे, उन्हें शिव स्वरूप पुकार रहे थे आप गौरी पुत्र। आशा करता हूँ नंदी जी मेरी बातों को समझ गए होंगे और अब तक उन्होंने लंकेश को रोकने की योजना बनानी आरम्भ कर दी होगी। भीलू क्यों पुताला आपने नंदी दिया में? आपने मैं भीलू पुकारा नंदी जी? हमने भीलू बोला, भीलू पुकारा नंदी जी? क्या भीलू बोला? भीलू ही तो है आप सभी, भीलू ही तो है आप सभी। जो आपने लंकापति रावण को यहाँ से प्रभु के आत्मिक को लेकर उसे प्रस्थान करने दिया, उसे रोकने का प्रयास तक नहीं किया, उसे रोकने की चेष्टा तक नहीं की, और आज के दिवस के पूर्व ही लंकापति लंकेश लंका में प्रभु के आत्मलिंग को स्थापित करेगा, और तब लंका में ही स्थापित होगा शिवधाम, और लंकेश रावण हमसे हमारे प्रभु को दूर करने की योजना में सफल हो जाएंगे।
तब हुआ ये गौरीपुत्र कि नारायण और ब्रह्मदेव प्रभु के प्रकाश लिंग को देखकर स्तब्ध रह गए और तभी एक आकाशवाणी हुई। हे पंच शीशधारी ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए प्रकट हुए हैं और हे नारायण, आप उस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए, किंतु आप दोनों कैसे अनुचित विवाद में उलझ गए हैं। बस यदि आप दोनों ये ज्ञात ही करना चाहते हैं कि आप दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, तो आप इस दिव्य प्रकाश स्तंभ की विपरीत छोर की ओर आगे बढ़िए और दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर तक पहुंचने में सक्षम होगा। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर ऊपर की ओर बढ़ते चले गए और विष्णु अपने वराह अवतार रूप में नीचे की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकाश स्तंभ का ऊपरी छोर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी, क्योंकि इस स्पर्धा में यदि नारायण विजयी हो गए ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का छोर अभी बहुत दूर है, मुझे अपनी गति और तीव्र करनी होगी। नारायण ने क्या रूप धारण किया है, एक वराह का। लंकेश, आप जिन वराह रूप का उपहास कर रहे हैं ना, मामा जी श्री हरि नारायण ने उसी रूप को धारण कर एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी, जब हिरण्याक्ष के कारण संपूर्ण पृथ्वी संकट में आ गई थी, तब वराह रूप में मामा जी श्री हरि नारायण ने ही पृथ्वी को आधार दिया था और उनका ये रूप तो सदा वंदनीय है। और इस रूप की वंदना करने वाले का प्रत्येक कष्ट सदा के लिए दूर हो जाता है। किंतु उस समय तो उनका स्वयं का कष्ट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्रकाश स्तंभ के निचले छोर को ढूंढने के प्रयास में वो स्वयं उस प्रकाश से विचलित होते जा रहे थे। नारायण को तो यह भी ज्ञात नहीं था कि यदि वो गरुड़ का रूप भी धारण कर लेते तो भी वो उस महाप्रकाश लिंग के छोर को ढूंढने में असमर्थ रहते। कदाचित फूफा जी ब्रह्मदेव के लिए भी यही सत्य होगा। वाहन के रूप में हंस का चुनाव करने के कारण वो नारायण की तुलना में अधिक दूर जाने में सक्षम हुए थे। जैसे जैसे ब्रह्मदेव और ऊंचाई तक बढ़ रहे थे, उनका ऊपर जाना और भी कठिन होता जा रहा था। और दूसरी ओर नारायण ने तो उस दिव्य प्रकाश लिंग की महिमा को समझकर अपनी असफलता स्वीकार कर ली थी। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का दूसरा छोर अभी बहुत दूर है, मुझे अपनी गति और तीव्र करनी होगी। किंतु पितामह ब्रह्मदेव अभी भी इस स्पर्धा में अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां उनकी ओर गिरता हुआ केतकी पुष्प उन्हें दिखाई दिया। प्रतीत होता है कि इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु यदि ये पुष्प भी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि मैं ऊंचाई वाले छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस स्पर्धा में मेरी विजय प्रमाणित होगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ से आकर्षित होकर मैं यहाँ उपस्थित हुई, क्योंकि मुझे आभास हुआ अपने रचयिता से मेरी भेंट यही होगी। मैं ब्रह्मदेव हूँ और मैं ही भविष्य में संपूर्ण सृष्टि की रचना करूँगा। यदि तुम उस सृष्टि का भाग बनना चाहती हो और ये चाहती हो कि संसार में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। आपके इस प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद। आप ही ने मुझे ढूंढा है, इसलिए मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगी। आप दोनों से कोई इस महालिंग की छोर तक पहुंच सके? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का अर्थात इस आत्मलिंग का आरंभ ढूंढने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ना ही मैं और ना ही ब्रह्मदेव हम दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं। हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तो ये महालिंग है जिसका न आदि न अंत है। किंतु इस प्रकाश स्तंभ के ऊपर का एक छोर मैं ढूंढने में सफल हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और सर्वोत्तम भी हूँ। और इसका प्रमाण भी है मेरे पास, ये केतकी का पुष्प। इस पुष्प को मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। यदि आपको मेरे कथन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। क्या ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं केतकी पुष्प? ब्रह्मदेव ने मुझे महालिंग के ऊपरी शिखर पे ही पाया था। मुझे आपसे अपेक्षा नहीं थी, आपने वंचना की है। असत्य के आधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं शिव आपको शाप देता हूं कि आपके ही द्वारा रचित सृष्टि में आपकी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प तुम्हें पुष्प में सर्वश्रेष्ठ और मेरे सर्वाधिक प्रिय पुष्प बनने के लिए उत्पन्न किया गया था, किंतु तुमने असत्य का साथ देकर अधर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें मंदिरों एवं पूजा स्थल से सदैव बाहर रखा जाएगा और मात्र वहां की सच्चा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, क्षमा।
मेरा जन्म इस सृष्टि के सृजन के लिए हुआ है, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूँ। आप होते कौन है मुझे? होते कौन श्राप देने वाले? श्राप देने वाले? आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देखने में असमर्थ हो रहे हैं। मैंने ही आपको जीवन प्रदान किया है, इसलिए आपके अहंकार को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। आपके अंदर का अहंकार आपको परम ब्रह्म होने का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसे अहंकार से परिपूर्ण एवं असत्य वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। काल भैरव का लिया और कांट के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया। फिर जब पृथ्वी की रचना हुई तो यह शीश यहां गिरकर स्थापित हो गया। किंतु लंकेश, जहां तक मैं समझ सका हूं, महादेव की महानता मात्र इतनी ही नहीं थी कि उन्होंने भैरव अवतार लेकर ब्रह्मदेव को उनके अहंकार से मुक्त किया, अभी तो उनकी महानता तो इसमें भी थी ना, कि ये ज्ञात होते हुए भी कि उन्होंने ऐसा किया कि ब्रह्मदेव का शीश उनके शरीर से विलग करने के लिए उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। आप उचित कहते हैं गौरी पुत्र, ये भी महादेव का ही त्याग था कि उन्होंने ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर ले लिया था, और इस दोष हेतु प्रभु काल भैरव को एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। क्या हुआ था लंकेश, और कैसे उन्हें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा? अहंकार का उन्मूलन उतना ही आवश्यक होता है जितना किसी रोगग्रस्त अंग की शल्य चिकित्सा।